जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। सदा ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल के दो सेशन हम अटेंड कर चुके हैं। कल हम सब रिस्पेक्टेड भाई जी के साथ रहे और हम अपने आप को कैसे हील करें, कल का पूरा टॉपिक यही चल रहा था। हमारे अंदर ही हीलिंग पावर है, इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर ही है। बाहर के रिसोर्सेज की ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने देखा मेन टॉपिक जो हमारा रहा, आई लेक लव, और अब हमने उसका रिटर्न करना है। आई लेक लव जो था अब उसकी भरपाई करेंगे। बाबा नॉर्मली मुरलियों में हमें सुनाते हैं साइंस और साइलेंस का कॉम्बिनेशन, तो वो कल हम प्रैक्टिकली देख रहे थे कैसे मेडिकल साइंस और साइलेंस, साइलेंस मीन्स आत्मा की इंटरनल पावर का रिलेशन है, हमारी इमोशंस का रिलेशन है। एक एक बॉडी ऑर्गन के ऊपर एक एक नेगेटिव फीलिंग का हमने कल इफेक्ट देखा। तो केवल सोल तक ही नहीं, अभी तो हमने आधा देखा, आज आधे का कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि मेडिटेशन की कैसे हेल्प रहेगी। अभी तो सोल के अंदर ही इतनी हीलिंग पावर है कि वो अपने आप को फिर से एनर्जी दे सकती है, फिर से उस सोर्स पर जा सकती हैं। सोल, SOUL, सोल क्या है? सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। लेकिन सुप्रीम सोल क्या है, उसके साथ हम कैसे अपने आप को कनेक्ट करें, कैसे उसकी पावर से अपनी हीलिंग करें, तो आज मेडिटेशन का भी रोल रहेगा जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करेगा। तो आज हम रिस्पेक्टेड भाई जी से सुनने जा रहे हैं, सभी भाई जी का वेलकम करेंगे। तो अपने आप को अब हम तैयार करते हैं, अपनी ब्रेन को तैयार करते हैं, अपने माइंड को हम तैयार करते हैं कि जो हमें मिल रहा है उसको अपने अंदर धारण करते जाएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। आदरणीय रेणु बहन का बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने इनिशिएट किया। कल तक हमने समझा कि 1/3 हीलिंग पावर हमारे अंदर है,
हम सभी आत्माएं अपने को हील कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं। दवाई का रोल, हॉस्पिटल डॉक्टर का रोल है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, पर इनिशिएटिव हमें खुद लेना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरे को ठीक होना है। गिव अप कभी नहीं करें, छोड़ नहीं दें, चाहे लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पर मेरे को ठीक होना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कल बताया, पर्पस ऑफ द लाइफ, मिशन। मैं यहां क्यों आया हूं, मुझे क्यों भेजा गया है, मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या मिशन छिपा हुआ है जिसको मेरे को बाहर निकालना है। और ये देखा गया है कि जिनके अंदर मिशन रहता है, पर्पस रहता है, वो ठीक जल्दी होते हैं और उनकी फिजिकल एज भी ज्यादा रहती है। उम्र भी तीन तरह की होती है, एक शरीर की आयु फिजिकल एज, एक साइकोलॉजिकल एज और एक मेंटल एज। साइकोलॉजिकल और मेंटल एज का अर्थ है कि मैं अपने को कैसा फील कर रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, आपकी एज तो हो गई, अब ये, अब आपको ये नहीं करना चाहिए। अपने अंदर उस बचपन को हमेशा एक्टिवेट करके रखें। फिजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज कुछ भी होए, पर मेरी साइकोलॉजिकल एज, मेंटल एज हमेशा अच्छी रहे, हमेशा फील गुड करें कि मैं कर सकता हूँ। गलतियाँ होती हैं, तकलीफ होती है, वो हर एक को होती है, हर व्यक्ति को होती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं और किसी कंट्री में कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये हर जगह के अपने अपनी सिचुएशन के अनुसार प्रॉब्लम चलते रहते हैं, पर साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली कभी भी हम अपने को वीक न समझें। अपने को हमेशा ऐसा समझें कि मेरी जरूरत है, आई एम नीडेड। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो मनुष्य सोचता है कि मेरी जरूरत है वो ज्यादा रहता है, और जो सोचता है मेरी जरूरत नहीं है अब, तो वो बीमार होगा ही होगा। इसीलिए कहा पहला फैक्टर हीलिंग का क्या था, इल, आई लव यू। खुद की वर्थ को कभी ना कम करें। मैं उसी का एग्जाम्पल पहला दे रहा हूं। डॉक्टर मैक्सवेल, प्लास्टिक सर्जन अमेरिका में थे, वो यंग लड़कियों की सर्जरी करते थे, यंग गर्ल्स की, जिनके चेहरे पर प्रॉब्लम आ जाते थे, बर्न्स के, तरह तरह के, डिसफिगरमेंट हो जाता था, और वो गर्ल्स सोचती थी आई एम अगली। वो उनकी प्लास्टिक सर्जरी करता था। उसने देखा प्लास्टिक सर्जरी के बाद चेहरा तो सुंदर हो गया, 100 में से 95 अच्छा फील करते थे कि नाउ आई एम ब्यूटिफुल, पर उसमें से कुछ स्टिल सर्जरी के बाद फील करते थे आई एम अगली। इसने सोचा डॉक्टर ने कि क्या बात है। फिर इसने उनकी स्टडी करी, इंटरेक्शन किया कि क्यों वैसा फील कर रहे हैं आई एम अगली। तो उनका जो मेंटल पिक्चर था पहले का, वही उनके सामने बार बार आता था, आई एम अगली। फिजिकली ठीक कर दिया, पर मेंटली क्या आ रहा है प्रोग्राम, आई एम अगली। फिर उसने
इसके ऊपर काफी स्टडी करी, किताबें निकली, सेल्फ स्टीम इसकी किताब मैंने भी पढ़ी, बहुत अच्छी थी, जिससे मैंने भी काफी लर्न किया। उसने कहा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनुष्य आत्मा का सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ, अपना सम्मान, अपनी वर्थ। हमें कुछ भी हो जाए, हम अपनी वर्थ को कम न करें। जो मैं बार बार कह रहा था, आई एम नीडेड, मेरी जरूरत है। इसी को डॉक्टर मास्लो ने कहा था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनकी भी काफी किताबें हैं और साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है उनकी थ्योरी को भी। उन्होंने भी कहा कि अल्टीमेटली मनुष्य बेसिक नीड से, रोटी कपड़ा मकान, सोशल नीड से ऊपर उठकर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मैं यहां पर क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है। और जब उसका पोटेंशियल 100% बाहर आता है, वो ठीक हो जाता है, उसके सब प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। और उसी को बाहर निकालना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन सिंपल नहीं है। सिंपल डेफिनेशन मेडिटेशन की है खुद को देखना, खुद से बात करना, वो तो है ही, कम्युनिकेट करना हायर एनर्जी से, सोर्स से, वो है। पर सबसे बड़ा मीनिंग है कि मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं यहाँ पर क्यों भेजा गया हूँ, मेरा मिशन क्या है, वो निकालूंगा, तब जाके मैं 100% जी रहा हूँ। जो मैंने कहा, नहीं तो जीते हुए भी हम खत्म हो जाते हैं, डेड बॉडी हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, उनके कारण यही रहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल्स का पूरा यूज नहीं कर पाते। खुश भी तभी रहेंगे जब हम अपने पोटेंशियल का यूज कर पाएंगे। तो जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, जो कोरोना के समय भी मैंने देखा, कई भाई बहनों ने वर्ल्ड में अपने अपने पोटेंशियल का पूरा यूज किया, चाहे उनके जॉब थे, नौकरी थी, क्या था, सब छोड़ के उन्होंने वो किया। और लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोला हमें अब मजा आ रहा है, संतुष्टता हो रही है, सेटिस्फैक्शन हो रहा है, खुशी मिल रही है। और वो तब करते हैं तो हमारा डोपामीन सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है। जब ऑक्सीटोसिन लेवल, सेरोटोनिन, डोपामीन लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है, डिप्रेशन खत्म होता है। डिप्रेशन का मेन कारण ही आज की दुनिया में ये है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति खुद से ही लड़ रहा है, खुद से ही कन्फ्लिक्ट में रहता है। तो पहली बात है, मेडिटेशन में हम अपनी खुद की लड़ाई को खत्म करें, खुद के अंदर झांकें और खुद को पूरा खोलें। तो डॉक्टर मैक्सवेल ने कहा, सेल्फ वर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सम्मान, उसको मैं सिंपल करके कहूं, उसका बहुत हिंदी मीनिंग क्लियर नहीं होगा, अपने उस सम्मान को 100% बार बार प्रैक्टिस में लाएं। जब कभी भी लगे डाउन होए, हर कोई व्यक्ति डाउन होता है, हर एक का समय ऐसा आता है, किसी समय वो नीचे जाता है, डाउन होता है, प्रॉब्लम आता है, पर उस समय अगर वो सम्मान को वापस लियाता है तो आगे बढ़ता है। ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, तीन वर्ड जो व्यक्ति को डिप्रेशन में लियाते हैं, डर में लियाते हैं, फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, नहीं तो फेल वर्ड आ गया तो चालू हो गया। फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये पहली सीढ़ी है सीखने की। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके कोई नहीं पूछता आपसे क्या हुआ, आगे जाके आपकी स्किल्स, स्ट्रेटजीज काम आती है, चाहे आपने कुछ भी कर लिया हो,
किसी भी फील्ड में हो, आगे जाके ये कोई काम नहीं आता, तो इसीलिए कभी भी ना घबराएं फेल से। फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड, एंड का अर्थ है एफर्ट नेवर डाइज। कभी भी हमारे प्रयत्न एफर्ट खत्म नहीं होते, करते रहो करते रहो, एक दिन आएगा जरूर सक्सेस मिलेगा। तीसरा वर्ड है नो। नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये तीन नेगेटिव वर्ड है और तीनों को उन्होंने ऑनरेबल अब्दुल कलाम ने पॉजिटिव कर दी। ये तीन वर्ड लोगों को डरा देते हैं, सुसाइड करा देते हैं, डिप्रेशन में लिए। हम अब एक सेंचुरी में रह रहे हैं जहां ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है। माँ बाप को, पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा कि बच्चों की ग्रोथ के लिए उनको क्या करना है। उस समय ओल्ड वाले पैराडाइम अब नहीं चलेंगे, तो कोई बात नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहें, फिर भी उनकी हिम्मत को कम ना करें। तो इसीलिए ये तीन वर्ड हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी बुक में एक स्टोरी दी है। एक व्यक्ति आईटी की कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, जॉब था प्यून का। इंटरव्यू देता है, एचआर वाला उसको सिलेक्ट कर लेता है, आखिरी में पूछता है आपकी ईमेल क्या है। वो कहता मेरी कोई ईमेल नहीं है। तो एचआर वाला कहता हम आपको जॉब में नहीं ले सकते। बाहर आता उदास होकर, बाहर देखता एक टमाटर वाला टमाटर बेच रहा है। आप कुछ तो कमाना तो है, तो उसने कुछ टमाटर उससे खरीद कर घरों में जाकर बेचना शुरू किया। रोज करने लगा, टमाटर खरीदता था, घरों में जाकर बेचता था। अच्छी कमाई होने लगी, धीरे धीरे वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। दुकान हो गई, कई दुकानें हो गई। एक बार इंश्योरेंस वाला आया उसके इंश्योरेंस करने, सब इंश्योरेंस का फॉर्म भर के पूछता है सर आपकी ईमेल क्या है। वो कहता मेरी कोई ईमेल नहीं है। इंश्योरेंस वाला सोचता है इतना बड़ा आदमी इसकी ईमेल नहीं, अगर ईमेल होती तो और बड़ा होता। वो आदमी सोच रहा है अगर मेरी ईमेल होती तो वो उस कंपनी में मैं चपरासी का काम। तो क्या हुआ, मैसेज क्या है, कभी भी घबराएं नहीं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जो हम सभी कहते हैं एक दरवाजा बंद है तो दूसरा खुल जाता है, परमात्मा यही करता है। अगर एक दरवाजे पे नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑलरेडी खुला हुआ है, वेट कर रहा है, आप जाइए उसको खोलिए। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। अब हम एक वीडियो देखेंगे, 2 मिनट का वीडियो, और उसको पहले सुनेंगे।
English mein hai par aaram se. My name is Aisha Chowdhury and I'm 15 years old. I was born with an immune deficiency with a life expectancy of only 1 year. I had to undergo a bone marrow transplant at the age of 6 months. Recently, I've developed a serious illness called pulmonary fibrosis, a hardening of the lung as a side effect of the transplant. And due to my illness, my life has been full of challenges, and I've often felt like I'm in the middle of a shipwreck. And today, I'd like to share with you 5 important lessons I have learned through the ups and downs of my journey. The first lesson is to believe in miracles. Miracles are good things that are unlikely to happen. The chance was 1 in a million that I would be born immune deficient, and I was. But then, a miracle occurred where there was only 30% chance that I would survive the bone marrow transplant, and I did. But then, there was less than 10% chance that I would develop lung issues post the transplant, and I did. And now, there's only a 40% chance that my lungs can be cured. And I believe that they can be, because I believe in miracles. The second lesson I learned was you should always live in the moment. This is a picture of me about 6 months ago. You can see that I had an oxygen tube in my nose. Despite it all, I had a huge smile on my face, all because I'm holding my new puppy, Rolo. Each moment I spent cuddling with him, I'd be bursting with joy. And all the pain and the sadness that seemed so overpowering in that one moment just seemed to melt away. If you look at your whole life ahead of you, you will find endless problems that you'll eventually have to face. But if you start to look at life day by day, hour by hour, or even moment by moment, you will find that your happiness will just begin to multiply. When I was just stuck in bed, unable to move, or even go to school, I thought hard about the things that I was able to do. I could sit, and I could put a smile on my face. I wanted to model. I wanted to see what it was all about, to have my picture somewhere out there. You can see on this picture, I'm all dressed up, ready for a photo shoot, even though I'm sitting on that wheelchair and inhaling oxygen. As I sat there and I posed for the camera, it made me forget about all the things that I was incapable of. It was a fun thing for me to do, and it was great to see what goes on in a photo shoot. What I've learned is that you should do what you can instead of feeling bad about the things that you're unable to do. The third lesson I've learned is that in every difficulty, one can always find an opportunity. For the past few years, I haven't been able to attend school regularly like the rest of my friends. And this year, I'm taking math and art as subjects, leaving me with a lot of free time. But in this difficult time, I've managed to find the opportunity to pursue my passion for art. In fact, I found that I've sketched and painted more during my illness as compared to the time when I was well. On this slide are 2 pieces that I've done recently. It's a portrait of a baby done with dry pastels. It's actually from a photo I took myself at a family gathering. On the right is a piece I have done for the album art for the music that my brother has composed, and his song is called Drowsy Elephants. The fourth lesson I learned was never forget to dream. This is a picture of me in my wheelchair back when I couldn't even walk 2 steps. Each night, I would dream. I would visualize what may seem like the smallest of things,
I'd imagine myself walking around the market in London with my friend. I'd dream of dancing endlessly at my cousin's wedding. I'd visualize things down to every little detail, the color of my outfit, which song I'd dance to, the setting of the stage, and my family celebrating. I dreamt of running around the garden with my two dogs. I wished that I'd get out of that wheelchair and actually walk to my bathroom. I'd play a movie in my mind of all the things that seemed completely impossible in that one moment. And guess what? I did walk around the market in London with my friend, and I did dance at my cousin's wedding, and I did get out of that wheelchair. And now I get to stand here and talk to you. The power of the mind is limitless. Remember that all things happen twice, once in your mind and once in reality. Finally, the last lesson I learned was that if everything else seems to fail, get a dog. Pets are truly the best medicine. They're known to be extremely therapeutic. I found that Kobe, the Labrador, was extremely empathetic towards my situation. Back in January, when I was unable to walk, Kobe himself became very unwell. His legs trembled and he couldn't walk. इसमें आयशा को बचपन में ही एक बीमारी हो गई और 6 महीने की उम्र में 6 महीने में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ. डॉक्टरों ने कहा 1 साल से ज्यादा नहीं, पर ऑलमोस्ट वो 16 साल, मेरे को जितना याद आ रहा है 16 और 18 के बीच में तक जी. 2016 में उसने छोड़ा. डॉक्टर ने कहा 1 साल. कहां तक चली गई? 16 साल और 18 साल के बीच तक गई. उसने अपना सीक्रेट बताया कि मैं क्यों जिंदा रही, आगे बढ़ी. तो पहला लेसन बताया कि अपने पर विश्वास करो, बिलीव इन योर सेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने पर फेथ रखो, बिलीव करो कि मेरे को ठीक होना है और मैं ठीक होंगी. ये जब तक माइंड में नहीं आएगा, माइंड वीक सिग्नल शरीर को देगा. दूसरा है हर सेकंड, हर मोमेंट को लेकर जियो. आजकल कहा जाता है हर दिन को लेकर जियो. सुबह उठे परमात्मा को थैंक यू करो कि आज का दिन दिया है, मैं उठा हूं, मेरे पांव काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहे हैं, लंग काम कर रहे हैं, थैंक यू गॉड. नहीं तो रात को ही वो ऑर्डर दे देता कहीं और हार्ट अटैक होता और रात को ही मेरी पोस्टिंग ऑर्डर हो जाती. पर सुबह उठा हूं, मेरा हार्ट काम कर रहा है, लंग काम कर रहा है, तो उसको थैंक यू करो. तीसरा है हर डिफिकल्टी में, हर प्रॉब्लम में क्या अपॉर्चुनिटी है. ये बहुत डीपर सीक्रेट है स्पिरिचुअलिटी का. प्रॉब्लम इसीलिए आता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ छिपा हुआ है. अब वो क्या छिपा हुआ है उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो टॉपिक अभी नहीं है, मैं उसको इनलार्ज नहीं कर रहा हूं. हर प्रॉब्लम में देखो क्या छिपा हुआ है. मुझे याद है एक माता शांतिवन में आई थी, उसको कोलिस फ्रैक्चर, यहां का फ्रैक्चर हुआ, गिर पड़ी, फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर हुआ. मैंने पूछा कैसा लग रहा है, बोला बहुत अच्छा लग रहा है, अब घर जाकर 3 हफ्ते काम नहीं करना पड़ेगा. तो अपॉर्चुनिटी हर एक में देखो कि ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या अवसर है. चौथा बताया ड्रीम करो. ड्रीम यानी सपना,
जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे, डे में ड्रीम करो, ड्रीम एंड डिजायर लीड्स टू डेस्टिनेशन। जब सपना हम देखेंगे, डिजायर होगी, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। अगर ड्रीम ही नहीं करेंगे, डिजायर ही नहीं होगी, तो हम उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। तो ड्रीम भी जरूर करें। और लास्ट था एनिमल्स का, तो हर कोई नहीं कर सकता कि एनिमल्स रखें, उनसे बात करें, पर इसका सिंपल मीनिंग है कुछ ऐसी जिससे आप बात कर पाओ। और मेडिटेशन सबसे अच्छी मेथड है जो हम परमात्मा से बात कर सकते हैं। परमात्मा हमेशा अवेलेबल है, किसी भी समय लगता है कि मेरे को कुछ बोलना है, बोलो, इज ऑलवेज अवेलेबल। और लास्ट है बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ है हमेशा थैंकफुल रहो, हर चीज का थैंकफुल रहो। मेरा ये सीक्रेट मैंने भी सीखा और उससे काफी मेरे को लगा कि बहुत हो रहा है। केवल एक चीज पकड़ ली, बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का अर्थ है हर दिन जब सुबह उठा, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू पांच तत्व, थैंक यू यूनिवर्स, जो थैंक यू पानी ना पाया, थैंक यू खाना परमात्मा ने दिया। तो हर चीज को जब हम ग्रेटफुल रहते हैं, थैंक यू रहते हैं, हमें और मिलता है। अगर हम कहें कि ये ठीक नहीं है, तो परमात्मा कहता है ठीक है, अभी वेट करो, मेरी कार पुरानी है, मेरी कार पुरानी है। अगर मैं बार बार कंप्लेन करूं, अरे मेरी कार तो ऐसी है, पुरानी है, दूसरे भी कह रहे अरे नई खरीद लो, पर खरीद नहीं सकते, इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, पर उस कार को भी थैंक यू करो, बहुत अच्छी हो, कम से कम ले तो जा रही है। मुझे याद है एक प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक लड़की के फादर मेरे पास आए, चंडीगढ़ से ही थे। उन्होंने बोला कि जब वो लड़की को मैं स्कूटर पर स्कूल ले जाता हूँ, छोड़ने जाता हूँ, वो कंप्लेन करने लगती है पेट में दर्द हो रहा है। छोड़ने जाता हूँ, लेने जाता हूँ, पेट में दर्द होता। चेकअप कराया गया, अल्ट्रासाउंड कराया गया, सब नॉर्मल। कारण क्या निकला जब साइकोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया, दूसरी लड़कियों के फादर के पास बेटर कार है तो उसको बड़ी वो लगता था। इसीलिए ग्रेटफुल रहो, जो इस समय मेरे को दिया गया है बहुत अच्छा है। हाँ, हाथ उठाओ, मैं परमात्मा को थैंक यू करता हूं कि हम ग्रेटफुल हैं, हम आपके थैंकफुल है, धन्यवाद देते हैं। मेरे को इस समय जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, मेरे को इस समय जो शर्ट दी है, पैंट दिया, बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी का एक स्टेटमेंट है, लिख लो, कभी प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं आएगा। We all are perfectly imperfect. हम सब परफेक्शन चाहते हैं, पर कुछ गलतियां imperfection होती है। तो human being क्या है, We all are perfectly imperfect. गलतियां होए कोई बात नहीं, ठीक करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, पर उसको लेकर बैठ नहीं जाए। और ग्रेटफुल रहो, हमेशा थैंकफुल रहो, जो दिया इस समय बहुत अच्छा है। मैं एक और स्टोरी, अच्छा बाद में सुनाता हूँ, इस पर कई स्टोरीज बहुत अच्छी हैं, पावरफुल। आ जाइए सिस्टर, बजाइए।
करो करो, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े खड़े करो करो करो।
मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर मोनिका, और उनको शौक है। देखो यही पर्पस होता है, प्रोफेशन एक चीज है पर प्रोफेशन के साथ कुछ और करना। हम सभी का प्रोफेशन है पर प्रोफेशन को समथिंग एड समथिंग मोर, तो तब मजा आता है, तब सेरोटोनिन निकलता है, डोपामिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है। ब्रेन का जब वो लेवल बढ़ता है तब खुशी आती है। कौन खुश है? हाथ उठाएं, कहें मैं खुश हूं, हैप्पी हूं, संतुष्ट हूं। रियली 100% हो? अच्छा ठीक है। कौवा था, कौवा बहुत खुश था, उसके पास सब कुछ था, कार थी, जॉब था, परिवार था, पर एक दिन उसने हंस को देखा, स्वान को, उसका वाइट वाइट कलर, तो वो उसके पास गया, अरे तुम्हारा कलर कितना अच्छा, तुम तो बहुत खुश होगे। स्वान ने कहा, हंस ने कहा, मैं बहुत खुश था पर जब से मैंने तोते को देखा, पैरट को देखा, मेरा स्ट्रेस बढ़ गया, तनाव बढ़ गया, मेरी खुशी गायब हो गई। पैरट का कितना अच्छा कलर, डबल कलर, लोग बात करते हैं। वो पैरट के पास गया, पैरट ने कहा मैं भी बहुत खुश था पर जब से मोर को देखा तो मेरा टेंशन बढ़ गया, मेरी खुशी गायब हो गई। तो वो मोर के पास गया, मोर उस समय जू में बंद था, पिंजड़े में, उसके पास गया, लोग चले गए, मोर के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग, काफ़ी लोग खड़े थे, चले गए। अरे मोर तुम तो बहुत अच्छे हो, इतना अच्छे कलर हो, डांस कर लेते हो, लोग आते हैं, तुम तो बहुत खुश होगे। मोर ने कहा हाँ मैं बहुत खुश था पर उन्होंने मेरे को यहाँ बंद कर दिया, पर पूरे जू में केवल कौवा ही है जो बंद नहीं है, बाकी सब बंद है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? हर कोई खुश है अपनी लेवल पर, जहां जन्म दिया, जहां परिवार में दिया, जिस कंट्री में दिया, बहुत अच्छा दिया। फिर से हाथ उठाओ और कहो मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी। वेरी गुड। फैमिली का अर्थ क्या हुआ? फादर, एफ ए, फादर एंड मदर, एफ ए एम, आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या रहती है? फैमिली रहती है। जहाँ फैमिली ठीक है, सब आपस में बात करते हैं, स्ट्रेस जीरो रहता है। ऐसा देखा गया कि जिस परिवार में खाना कम से कम एक खाना वीक में एक बार खा लेते हैं, उस परिवार में टेंशन कम होता है। इसीलिए जब मौका मिले एक बार खाना सब मिलकर जरूर खाओ, वो संस्कार बच्चों में जाए, क्योंकि वो ही सबसे बड़ी खुशी है और वो खुशी हमारे शरीर को भी ठीक करती है। ऑनरेबल अब्दुल जी ने कहा था कि जब हमारे अंदर मिशन रहता है, पर्पस रहता है, तो हमारे सब संकल्प टूट पड़ते हैं, हमारा मन ऊपर की तरफ जाता है और हमें जो करना है वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा शत्रु आदमी का डर रहता है, फियर। हर व्यक्ति को डर लगता है। अगर देखा जाए पूरी जिंदगी में दो इमोशन पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, एक है डर, एक है प्यार, फियर एंड लव। ये दो इमोशन पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दोनों नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इमोशन हैं,
इमोशन का अर्थ होता है इमोशन, इमोशन का अर्थ होता है एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन में एनर्जी है, गुस्से में भी है, नेगेटिव इमोशन में भी है, हर इमोशन में एनर्जी है। डर, हर एक को अपनी पर्सनालिटी के अनुसार आता है, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। पर जब डर बहुत होता आता है तो डर मेरी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। अगर वही विचार थॉट बार बार आ रहा है, वो सिंगल थॉट बार बार मेरे अंदर आ रहा है, तो पूरी हेल्थ को भी खराब कर देता है। एक विचार का बार बार आना डिप्रेशन ही है, एक तरह का डर है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल बनता जा रहा है। मेजॉरिटी कंप्लेन आती, एक ही नेगेटिव थॉट मेरे को बार बार आता है, बार बार आता है। फियर का अर्थ है एफ ई ए आर, इसका मीनिंग निकला फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। इसका अर्थ है ज्यादातर डर रियल नहीं है, 99% डर रियल नहीं है, 1% डर रियल है। पर क्या होता है, हम उन डरों को 99% को अपने अंदर रख लेते हैं। मैं आज बात ही कर रहा था, कार में आ रहे थे तो गाय निकली आगे, तो एक भाई ने कहा कि गाय का आना शुभ है, फिर दूसरे ने कहा बिल्ली आ जाए तो क्या होता है, सब लोग मानते हैं शुभ है। अब वहीं अमेरिका और दूसरे देशों में देखें, लोग बिल्ली को लेकर घूमते हैं। ये क्या हुआ, हमारे अंदर किसी ने कह दिया बिल्ली आ गई यानी खराब, तो हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो गया बिल्ली यानी खराब, गाय यानी शुभ, प्रोग्रामिंग हो जाती है। और ऐसा देखा गया, अब मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, गहराई में जा रहा हूँ, मेरे को डॉक्टर राम प्रकाश ने कहा था कि रीप्रोग्राम भी लेना, अब ये थोड़ा डीप प्रोग्राम है, डीप सब्जेक्ट है, फिर भी थोड़ा टच करता हूँ। बचपन से जब बच्चा माँ के पेट में है 7 साल और 9 साल तक, 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम वो डाउनलोड कर लेता है। आत्मा माँ के पेट से 7 साल और 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम, 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम डाउनलोड कर लेती है अपने माइंड में। काय से डाउनलोड करती है, उस समय उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, देख रहा, फील कर रहा, और वो प्रोग्राम उसके अंदर आ जाते हैं। अगर वो प्रोग्राम ठीक से नहीं गए, जो देख रहा है वो उसके पर्सनालिटी बन जाती है, पर भी उसके वही प्रोग्राम काम करते हैं, वो डाउनलोड हो गए उसकी सबकॉन्शियस माइंड में, अर्धचेतन मन में चले गए। अगर डर वाला चला गया, उसके माँ बाप कैसे जाता है, देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा वहां आया था शांतिवन में, तंग कर रहा था, मां भी थी साथ में। मां ने उसको कहा चल डॉक्टर के पास, तेरे को इंजेक्शन लगवाती हूं। अब उसके 100 बार उसकी मां ने अगर कह दिया
200 बार माँ ने कह दिया चल डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाती हूँ, उसके अंदर प्रोग्राम क्या चला गया, सुई डॉक्टर दर्द। अब कई बार मैंने देखा पेशेंट आता है, लेटता है, सिस्टर अभी इंजेक्शन भर रही है, लगा नहीं है, दर्द हो रहा है, अभी लगाया भी नहीं है, सुई गई भी नहीं है, दर्द हो रहा है। ये क्यों हुआ? प्रोग्रामिंग कर दी गई सुई आने, और 99% सिस्टर्स इंजेक्शन इतना अच्छा लगाती कि पत्ता भी नहीं लगता, पर प्रोग्रामिंग क्या हो गया, अभी वो भर रही है, वो देख रहा है और दर्द चालू हो गया। तो सिग्नल कहां से आया? इसीलिए कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें इंजेक्शन नहीं लेना, हमें ड्रिप नहीं लेना, आप तो गोली दे दो। क्यों हुआ? प्रोग्रामिंग कर दी गई। और वही हम देखते हैं कई बच्चे जहां खेलते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, वो सांप को भी लेकर लटका कर घूमते हैं, और दूसरा कोई अगर देख ले तो एकदम वो हो जाएगा, एड्रिनल निकलने लगेगा। तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है, और ज्यादातर प्रोग्रामिंग हमारे पेरेंट्स, माँ बाप, दोस्त, टीवी, इन्वायरमेंट करते हैं, और उन्हीं को हम सच्चा मानकर आगे चलते हैं, और बड़े होने पर वो ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। अगर अब मैं इस समय हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन 10-15% है, 10-15% है, बाकी मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, 85-90% मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। वो क्या है? जो बचपन से गया हुआ है, वो उसमें पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग भी जब एनालिसिस करते हैं, पूछते हैं, तो पहली हिस्ट्री माँ बाप की लेते हैं, क्या हुआ था बचपन में, और कहीं ना कहीं वो पता लगता है बचपन में ये हुआ था। एक अभी मैंने 47-year-old जॉब करता है, पर डिप्रेशन, खुश नहीं। मैंने पूछा क्या हुआ? कभी भी मेरे फादर ने मुझे नहीं बोला तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे हो, तू तो बुद्धू ही है, तू तो ऐसे ही है। तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो गई? मैं तो बुद्धू ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। इसीलिए 4 पर्सनालिटी बनती है। साइकोलॉजी में डॉक्टर थॉमस हुक ने 4 पर्सनालिटी बताई, किताब भी लिखी है। आई एम ओके, मैं ठीक हूं, यू आर नॉट ओके, तुम ठीक नहीं हो। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूं, आप ठीक नहीं हो। ये कौन सी हो गई? सुपीरियर पर्सनालिटी, मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। दूसरी होती है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक हो। उसकी गर्दन कैसी होगी? आई एम नॉट ओके, बेटा तू ओके है, नहीं नहीं मैं नॉट ओके। किसने कहा? सुपीरियर वाले की गर्दन, आई एम ओके, इंफीरियर वाले की। तीसरी होती है आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके, मैं ठीक हूं, आप ठीक हो, सब ठीक है। ये हेल्दी पर्सनालिटी। अब लोग कहते हैं इतना डिफिकल्ट कैसे होगा, मैं ठीक, ये ठीक, सब ठीक। कल भी एक क्वेश्चन मेरे को दिया, अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो करेक्ट कैसे होगा? मैं ठीक, आप ठीक, सब ठीक। तो चौथी पर्सनालिटी आजकल आ गई है, ये मैंने ऐड कर दी, आई एम नॉट ओके, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं। लोगों को नेगेटिव में मजा आता है,
आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आप भी ठीक नहीं, मैं भी ठीक नहीं, बट दैट इज ओके, पर ये ठीक है. एक्सेप्टेंस, स्वीकारना बड़ा डिफिकल्ट होता है और पूरी साइकोथेरेपी एक्सेप्टेंस पर है, स्वीकारने पर है. पूरी काउंसलिंग एक्सेप्टेंस पर, अरे एक्सेप्ट करो. और पूरी गीता इसी पर तो आई, जो हो रहा है ठीक है, जो होना है वो भी ठीक है, जो हुआ वो भी ठीक है. अब उसका अर्थ क्या है, डीप मीनिंग है कि हर चीज अनादि चक्र से, जो काल चक्र से चल रहा है वो चल रहा है. काफी चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो उसको देख, तू साक्षी होकर देख. 18 चैप्टर में बोला साक्षी होकर देख. डिटैच एंड ऑब्जर्वर, ये बड़ी डीप क्लास है. डिटैच एंड ऑब्जर्वर बड़ा डिफिकल्ट है देखना, पर अल्टीमेटली वहीं आके फंसते हैं. तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कई जगह, और कई जगह चेंज करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है. हम क्या करते हैं, दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वहां पर ही कन्फ्लिक्ट आता है. ज्यादातर डर रियल नहीं है. कैसे इसको ठीक करें, जो मेरे नेगेटिव प्रोग्राम बचपन से यहां गए हुए हैं वो बार बार आ रहे हैं. आक्रोश देखा, वो देखा, एकदम रियल हुए. पानी, किसी को पहाड़, किसी को कुछ, हर एक के अलग अलग रहते. हमें प्रोग्राम रीप्रोग्राम करना पड़ता है. रीप्रोग्राम यानी उस नेगेटिव प्रोग्राम को ठीक करना है. मन क्या करता है, मन को जितना हम एश्योरेंस करेंगे, मन कैसे मानता है, उसको एश्योरेंस करना पड़ता है. बुद्धि मन को समझाती है तू ठीक है. मन में कई तरह के विचार आते हैं. डरा कौन रहा है, मन ही डरा रहा है. पूरा खेल मन खेल रहा है. तरह तरह के संकल्प आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं. अब इंटेलेक्ट बुद्धि क्या करती है, मन को समझाती है. हमें न दबाना है, सप्रेस करना है, न अमन करना है, मन को सुमन बनाना है. सप्रेस भी नहीं करना है, नहीं आए नहीं आए, आएगा. अगर मैं इस समय कहूं आग बंद कर लो और काले मुंह के बंदर के बारे में नहीं सोचना, तो वही आएगा. तो न दबा सकते हैं, केवल बुद्धि और मन डायलॉग करती, बात करती तो ठीक है. अब मेरे को पॉजिटिव प्रोग्राम उसमें डालना है. अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत साइंटिफिक है और हाई लेवल का है. सिंपल करके एक एग्जांपल देता हूं. मैं आया इंडिया 92 में. मेरी पर्सनालिटी भी बड़ी परफेक्शन, हर चीज ठीक होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए. कहीं भी जा रहे हैं कार में तो वहां टाइम पर पहुंच जाते थे. अब इंडिया में जा रहे हैं, गाय आ रही है, मोटर बाइक आ रही है, ये आ रही है, बड़ा गुस्सा आता था. लोगों में अकल ही नहीं है, ट्रैफिक सेंस ही नहीं है, पुलिस कुछ, ट्रैफिक पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है. गाय जा रही है. 3 महीने हो गए, मैंने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. मोटर बाइक वाला यूं ही जा रहा है, गाय जा रही है, मुस्करा रही है, मैं ठीक हूं. तो मैंने, और मेरे को ही गुस्सा आ रहा है, मेरे को ही एसिडिटी बन रही है, क्या? फिर मैंने कहा मैं इनको नहीं बदल सकता, मेरे को अपने को बदलना है. तो मैंने अपनी रीप्रोग्रामिंग करी.
मेरे को एक गीत बड़ा अच्छा लगता था, आई लव माय इंडिया। तो मैंने उसको सुना अल्फा लेवल पर, रिलैक्स किया, शांत हुआ और सुना आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। अब प्रोग्रामिंग हो गई, अच्छी हो गई, तो फिर बैठा कार में, फिर वही हो रहा, मोटर बाइक, गाय, जहाँ बैरियर लगा हुआ है पुलिस का, वहाँ गाय खड़ी मुस्करा रही है। अब एक सेकंड तो आया ट्रैफिक, फिर ये गाना बजने लगा, आई लव माय इंडिया। आहा कितना अच्छा है, मोटर बाइक वाला टक जा रहा है, उसको जल्दी है। गाय कितना अच्छा काम कर रही है, लोगों को रोक रही है, हेलो गाय कैसे हो, बहुत अच्छे हो तुम, बिना सैलरी के लोगों को ट्रैफिक सेंस दे रहे हो। तो वही नेगेटिव सीन क्या हो गया। अब फिर करते हैं, ऊपर जाते हैं आबू से, माउंट आबू बंदर बीच में आते हैं लोग खाना, हम एंजॉय करते हैं, हाँ लोग सेल्फी लेते हैं बंदर के साथ, वहाँ खाना देकर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। झगड़ा उनसे नहीं कर सकते, बदलना किसको है। तो रीप्रोग्रामिंग का अर्थ है कि मेरे अपने अंदर के कमजोर नेगेटिव प्रोग्राम्स को ठीक करना है, और वो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है जो मुझे तकलीफ दे रही है। तकलीफ उनको नहीं हो रही है, तकलीफ मेरे को हो रही है। जो डर है मेरे अंदर उसको ठीक करना है। चलिए डर को ठीक करते हैं, वेरी गुड। तो अब डर नहीं लगेगा, जब डर आए तो कहना परमात्मा मेरे साथ है, दूसरा कहना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बोलिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। जब मैं बोलूं शान स्वरूप हूं तब ठीक है, धीरे मास्टर सर्वशक्तिवान तो क्या अंदर वाइब्रेट। जब पावरफुल बोल रहे हो तो पावरफुल बोलो, शब्द भी खेल खेलते हैं, हमारे जो शब्द हैं वो पावर देते हैं। तो डर हमें को ठीक करना है। बहुत बढ़िया रीसेंट का एग्जाम्पल है एंटोनियो, ब्राजील में पायलट है, फ्लाइट में लेकर जा रहा है, प्लेन लेकर जा रहा है, कार्गो प्लेन लेकर जा रहा है। सडनली प्रॉब्लम आता है, ब्राजीलियन जंगल्स में उसको उतरना पड़ता है, इमरजेंसी लैंड होता है, उसके पास कुछ खाना था, थोड़ा सा ब्रेड थी, और बाहर आता है। ब्राजीलियन जंगल्स इतने फैले हुए थे, अमेजॉन जंगल्स इतने फैले हुए हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, वहाँ से जिंदा बाहर आना डिफिकल्ट है। पर ये बंदा 36 दिन तक सरवाइव किया और बाहर आया। कुछ नट जो वो खेती करते हैं, उन्होंने उसको देखा, नट हार्वेस्टर्स ने सिग्नल भेजे और उसको रेस्क्यू किया गया। 36 दिन तक खाना जो भी था, ब्रेड जो भी थी, सरवाइव किया। बाहर आया, जब मीडिया ने पूछा इतने दिनों तक कैसे सरवाइव किया, एंटोनियो ने कहा मैंने अपने माइंड में, मन में पिक्चर बना लिया था। पहला, मेरे को बाहर आना है, मेरी फैमिली से मुझे मिलना है, और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो क्या किया, मेंटल इमेजिनेशन पिक्चर बनाया। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग।
जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था, जब हम इमेजिनेशन करते हैं, मेंटल में पिक्चर बनाते हैं, एक आइडिया को लेकर उसका पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर ट्रांसफर होता है बॉडी में, और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है खाने की, दूसरी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, और जो भी उसको थोड़ा मिला 36 वेट कम हुआ, डेफिनेटली उसका वेट लॉस हुआ, पर बाहर आया और उस घने जंगल्स में, अमेजॉन वर्ल्ड का बहुत घने जंगलों में से माना जाता है, जहां तरह तरह के जीव जंतु हैं, और वो बाहर फियर फैक्टर, अगर डर आ जाता तो गया था। इसीलिए फियर को हमें मैनेज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फियर जीरो हो जाएगा, पर जब डर को हम मैनेज करते हैं, उसी को कहते हैं करेज, हिम्मत। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो डर है मेरे अंदर उनको मैं ठीक कर रहा हूं, उनको मैनेज कर रहा हूं। मैंने कहा कि फियर और लव दो इमोशन चलते रहते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब डर बना रहता है तो हेल्थ खत्म होती है। क्या होता है फियर में, ब्लड कहां आ जाएगा डर में? डर जब आता है तो ब्लड हमारे दोनों पाँव में आ जाता है, गुस्सा जब आता है तो हमारा ब्लड दोनों हाथों और दोनों पाँव में आता है। इसीलिए गुस्से में पहले क्या करते हैं, मारते हैं या पाँव मारेंगे, ब्लड वहां आ जाता है। डर में भी क्या आता है, ब्लड यहाँ आ जाता है। ब्लड कहाँ चाहिए, आंतों में, ब्रेन में। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, सब पढ़ाई करी है, अच्छा पढ़ाई करी है, पर जैसे ही अंदर हॉल के अंदर आता है डर, एग्जाम देने, इंटरव्यू देने जाता है, वाइवा देने जाता है, प्रैक्टिकल देने जाता है, एक्सटर्नल जैसे ही देखता है डर चालू, तो ब्लड कहां आ जाता है, या पढ़ाई तो की अच्छी पर आंसर नहीं आ रहे, क्लॉगिंग हो गया। इसीलिए जिस दिन बच्चा एग्जाम देने जाए, उस दिन बच्चे को कुछ नहीं बोलना, बच्चे को कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कितना अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विथ यू। परमात्मा भी कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे को ये बड़ा अच्छा पिक्चर लगता है, एक बड़ा अच्छा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब कोई किसी को कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, कितना अच्छा लगता है, जो डर है वो खत्म हो जाता है। और कुछ नहीं बोलो, बच्चा जब फॉरेन जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, रोना नहीं है, थोड़े बहुत आंसू तो आएंगे, पर अल्टीमेटली उसको गले लगा कर कहना है आई लव यू। तो बच्चे में जो हिम्मत आएगी एग्जाम देने की, वो 100% होगी। और अब आजकल अच्छे स्कूल कॉलेजेस में वहां के टीचर जब एग्जाम होते हैं, बच्चों को फूल देकर अंदर भेजते हैं। 12th का बोर्ड एग्जाम जिसमें 100% डर होता है, तो कभी भी डर को हावी न होने दें। डर आएगा, पर उस दिन एग्जाम के दिन बच्चे को आराम से भेजें। नहीं तो कई जगह मैंने, एक कंपनी में गया, कंपनी का सीईओ, उस समय 12th का एग्जाम था, सीईओ साहब नहीं आएंगे क्योंकि उनके बच्चे का एग्जाम है, वो स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, 3 घंटे तक खड़े रहेंगे। अब उससे क्या होगा, ये हमारा डर रिफ्लेक्ट करता है बच्चों में,
जो हमारे में डर आता है वही बच्चों में जाता है, इसीलिए पेरेंट्स का काम है उस डर को खुद में ख़त्म करें और बच्चों में भी ख़त्म करें। कल भी बताया ह्यूमर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इमोशन है, ये हमारी बीमारी को ठीक करता है। खुशी, जब बीमार होएं तब खुश होकर जो भी कराना है करना है होना करना, ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस समय समझना मेरे अंदर के सेल्स ठीक हो रहे हैं, डर के जाएंगे घबरा कर जाएंगे तो और बीमारी बढ़ेगी। एक स्टडी में देखा जो लोग कुत्ते को रोज घुमाने ले जाते हैं डॉग को, उनमें हार्ट के प्रॉब्लम कम थे। क्या फैक्टर थे? जब वो घुमाने ले जाते हैं डॉग को, जैसे वो बहन आयशा ने भी कहा, कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, कुत्ते से बात करते हैं, सब चीजें बताते हैं, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कुत्ता सुनता है। आदमी को बोलो तो जवाब देता है, कुत्ते को बोलो तो सुनता है। पर हम लोग सभी लोग रख नहीं सकते, तो उसका आंसर यही है, खुद से बात करो, परमात्मा से बात करो, तो जो हमारे अंदर की बातें हैं, लिसनिंग, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए लीडरशिप। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों की सुनता है, 100% सुनता है, उसका काम ही है सुनना। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूं, मेरा पहला काम है सुनना। अगर मैं सुन नहीं सकता तो लीडरशिप से आउट, यू आर नॉट ए लीडर। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आए हमारे पास, पूरी बात को सुनो, दोनों कान खुले रहें, तब हम 100% हो सकते हैं। कल बताया मैंने BMI को, बॉडी के वजन को ठीक रखो। 21 से 25 तक हमारा BMI नॉर्मल रहता है, उससे ज़्यादा बढ़ता है तो फैट आता है और हमारा बीमार होने का चांसेस बनता है। खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी और B12 वेजिटेरियंस में कम होता है, इसको हमें ठीक रखना है। बटर में है, चीज में है, मिल्क में है, ये हमें विटामिन डी देता है। पर सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का सनलाइट है, धूप। सुबह की धूप जरूर लीजिए, वो हमारे विटामिन डी के एक्टिव करती है। 15 मिनट सुबह की धूप हमारे विटामिन्स को एक्टिव करती है, तो वो जरूर लें। उस समय हमारे कपड़े थोड़े आधे रहें, क्योंकि अगर फुल कपड़े पहने हुए हैं तो वो धूप कहाँ से जाएगी, खाली चेहरा ही एक्सपोज होगा। तो विटामिन D3 को जरूर लें, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हड्डी को, बोन्स को ठीक करता है। B12, विटामिन डी की लेवल 20 से 30 हो तो अच्छा है, 30 से ऊपर हो और बेटर है, पर अगर 20 से कम है तो इसका अर्थ है कि मेरे को एक्सटर्नली विटामिन डी लेना पड़ेगा। वेजिटेरियन में ये कम रहता है। B12 भी जब कम होता है तो नर्वस सिस्टम के ऊपर असर आता है और कई बीमारियां आती है। B12 वेजिटेरियंस में कम हो सकता है, क्योंकि इसका मेजर सोर्स नॉन वेजिटेरियन है। पर अगर हम अपने
थोड़े मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को ठीक रखते हैं, और आजकल कई प्रोडक्ट आ रहे हैं जिन्होंने B12 उसमें डाल के रखा है, तो वो थोड़ा लें, और अगर बहुत कम है तो उसके इंजेक्शंस भी B12 की ले, न्यूरोबियन गोल्ड या न्यूरोबियन टैबलेट ये ले सकते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक भी हमारे शरीर को ठीक करती है। अच्छे गीत हमारे हेल्थ को ठीक करते हैं। जब ऐसा लगे थोड़ा डाउन हो, अच्छे गीत जो बचपन में अच्छे लगते आए थे सुनो, सुनो ही नहीं गाओ भी, अगर गा सकते। आप में से कौन गा सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। दो, एक, दो। मैं अब बहुत, क्योंकि ये सब्जेक्ट दूसरे बहुत लंबे हैं, टाइम हो गया मेरे को दिख गया, तो अब मैं लास्ट पे आ जाता हूं। लास्ट का है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे ठीक करें? स्ट्रेंथ, एस का अर्थ है अपने में ताकत डेवलप करो। टी, बार बार थोड़ा रिलैक्स होकर अपने को ट्रैफिक कंट्रोल करो। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी रेड लाइट पर रोकना ही पड़ती है, ऐसे ही एक थोड़ा टाइम, एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद रुक जाओ एक मिनट के लिए, और अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को चेक करो। आर, रिलीज करो जो अंदर चला गया है, अनवांटेड मटेरियल, उसको रिलीज करो, लेट गो करो, जाने दो, उसको छोड़ो। ई, हर चीज को, कोई भी चीज है उसको एंजॉय से करो, खुशी से करो, तो उसके मास्टर बन जाओगे। मैं कई एग्जाम्पल देता हूँ, पढ़ाई उन्होंने बेसिक करी पर वो उसको एंजॉय करते थे और वो अब CEO है। तो आज खेल बदल गया है, सबसे खेल ये यहाँ का है, और अगर जिस चीज को मैं कर रहा हूँ उसको खुशी से कर रहा हूँ, एंजॉय से कर रहा हूँ, तो उसके हम मास्टर बन जाते हैं। एस, शेयर करो। अगर कोई बात लग गई है उसको किसी तरीके से दूसरे को बताकर, कहीं भी जो अच्छा है आपके साथ, इसीलिए मैंने कहा फैमिली, सपोर्ट और शेयर करो। लास्ट एस है सरेंडर। सरेंडर का अर्थ है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस परमात्मा को कहो अब तू कर, मैं नहीं करता। सरेंडर का अर्थ है हिंदी में सर अंडर, ये सर ही टेंशन देता है, तो सर को यूं कर दिया तो खत्म हो जाएगा। लास्ट स्टोरी इस पर देकर ह्यूमर वे में, कुछ डॉक्टर्स ने, हम लोगों ने क्रिएट की थी बहुत साल पहले, सरेंडर का इजी मीनिंग करने के लिए। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया। शर्त ये थी कि रावण के जितने भी महारथी हैं उसके पांव को हिलाएंगे, पांव हिल गया तो सीता माँ को खो दिया। सबने बहुत कोशिश की, पांव हिला नहीं। अंगद वापस आया अपने ग्रुप में, उसके दोस्तों ने कहा अरे अंगद तूने तो पांव रख दिया था, हमारा टेंशन तो इतना बढ़ गया था, पांव हिल गया होता तो सीता माँ को तो खो दिया था। अंगद ने कहा मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, मेरा तो काम खाली किए था। तो हमारा काम भी क्या है, पांव को रख देना, बाकी ऊपर वाला कराएगा। चलिए एंड करते हैं, खड़े हो जाएं।
हमारी सभी बहनों को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, हमारी सभी टीचर्स, आदरणीय रमेश बहन, अनीता बहन, उनकी टीम को, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, हमारे साउंड डिपार्टमेंट को जिन्होंने कम समय पर सब चीज़ें उपलब्ध की, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले से फिक्स नहीं था, यहाँ आने के बाद सब फास्ट किया गया, तो बहनों को बहुत बहुत थैंक्स। चलिए शुरू।